अगेन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और आगे बढ़ा दो। इस सेशन में आज हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को फिर से समझने वाले हैं आपके समक्ष। तो चलो बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत की जाए और पहला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो कि कुछ इस तरह से है। तो जल्दी से आप इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, क्वेश्चन है 21वां। क्या सवाल कहता है? मैं चेंज कर लेता हूं कलर। क्रमागत संख्याओं पांच हैं, उनका योग 270 है, तो दूसरी तथा पांच ही संख्याओं का योग कितना है? सवाल आपको बताना है। यानी क्रमागत पांच संख्याओं का योग 270 है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटिव नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, इन कॉन्जुगेटिव नंबर्स का योग 270 है, दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग कितना है? सवाल आपके सामने, आपको ये बताना है। तो बड़ा आसान सवाल है, मुझे उम्मीद है आप इसको एक बार में समझ लेंगे। तो मैंने कहा क्रमागत पांच संख्याओं का योग है। अब जब क्रमागत होती हैं तो कॉन्जुगेटिव लगातार, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो लगातार चलती हैं, लगातार आपके सामने आती रहती है। तो लगातार संख्याओं के बारे में आपसे डिस्कस हो रहा है और उम्मीद है कि आपको ये एक चीज, एक क्लियर चीज समझ में आने वाली है। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या आपका जवाब मुझे मिलता है सही सही और क्या देते हैं आप इसका आंसर तेजी के साथ। ओके तो सवाल था, अब ऐसे सवालों को हम लगातार मानते हैं दैट इज कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो हम क्या करें, हमने माना एक्स करके समझते हैं, फिर मैं आपको उसको शॉर्ट से भी बताऊंगा। पहले एक्स करके बता दूं, तो मैंने माना पहली संख्या एक्स, दूसरी एक्स प्लस वन, तीसरी एक्स प्लस टू, नेक्स्ट एक्स प्लस फोर और नेक्स्ट एक्स प्लस फाइव, ये पांच नंबर हैं। अगर इन सबको ऐड किया जाए, यानी एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फोर, पांच नंबर को अगर ऐड किया दिस 3 4, तो उसका टोटल कितना है? 270 के बराबर। सबको जोड़ें, एक दो तीन चार पांच एक्स तो ये हो गए, प्लस चार तीन सात दोनों एक 10 इजिकल टू 270। तो भाई 5x इजिकल टू क्या हो जाएगा? आपने कहा सर बड़ा आसान है, तो आपने क्या काम किया, 270 में से 10 घटा दिया, तो भाई x का वैल्यू कितना हो गया, 260/5, 5 5 25 बचा एक और 5 2 10 52। तो x का वैल्यू आपको 52 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको x का वैल्यू कितना। तो ये 52, इसके आगे वाली 53, इसके आगे वाली 54, 55 और 56, ये नंबर आपके सामने आ गए, यही तो नंबर आएंगे। तो सारे नंबर, अब उसने बोला है कि दूसरी संख्या ये है और पांचवी संख्या है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा, 53 प्लस 56 इजिकल टू 109, जो कि इस ऑप्शन में नहीं था, इसलिए राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ई, कि इसमें से कोई भी संख्या वो नहीं है। इज इट क्लियर नाउ, बात समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। और आकांक्षा आई, उन्होंने बहुत तेजी से उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। नो नो नो, 55 नहीं करना है, इट्स 56 आकांक्षा, इट्स 56। ओके चलिए, बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के जवाब जब यहाँ आते हैं तो दैट्स वेरी नाइस। तो चलिए बात करते हैं आगे की और देखते हैं अब इसको मैं शॉर्ट से कैसे कर रहा हूँ। देखो इसको बिल्कुल स्मार्ट वे में कैसे करते हैं, आपको मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, मैंने आपको ये समझाया भी था, फिर मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्रमागत संख्याएं हैं पाँच, अगर मैं इनके आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि इनका एवरेज क्या है, तो आप क्या करेंगे, सर 270 ये था, आपने पांच का डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, 5 5 25 और बचे 2 5 24 54। यानी उन संख्याओं में अगर मैं आपसे बात करूं तो मिड की संख्या एवरेज होती है ना, मिड में क्या होता है, एवरेज ही तो होता है मिड में, तो मिड की संख्या क्या है, आपने कहा एवरेज है, तो मिड की संख्या यानी उसमें पांच संख्या, एक दो तीन चार पांच, और कॉन्जुगेटिव नंबर का जो एवरेज होता है वही उनका औसत होता है, तो यानी 54 ये हुआ, तुम 54 मिड में हो गई। अब उससे पहले कितनी है, एक संख्या पहले और दो संख्या उसके बाद, समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऑन द स्पॉट ऐसे भी कर सकते थे। उसने कहा दूसरी और पांचवी संख्याओं का टोटल, दैट इज 109, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अभी समझ में आया, बहुत बढ़िया। आकांक्षा फिर से गलत करो, वो दूसरी संख्या बोला है, पहली नहीं बोला, सेकेंड नंबर और फिफ्थ नंबर, तो सेकंड वन तो ये हो गया, फिफ्थ नंबर ये हो गया, दैट इज ई ऑप्शन। समझ में आया है? बहुत बढ़िया, एक और कादम रही, बहुत बढ़िया, एक और सवाल। चलो
यदि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योगफल 110 हो तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि तीन क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो तीन लगातार संख्याएं हुई कौन सी, नेचुरल नंबर्स। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 110, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, तो तेजी के साथ दीजिएगा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आपका जवाब मुझे मिले और आपके आंसर राधे राधे। राहुल जी कैसे हैं आप, तेजी से मिले आपका आंसर। देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। देखो तीन क्रमागत संख्या है, चलो मैंने माना। अब देखो इसको भी दो तरीके से समझाऊंगा, तीन तरीके से बताता हूँ सवाल को। हम जनरली मानते हैं क्रमागत संख्या है, तो मैंने पहली संख्या x, दूसरी x प्लस वन, फिर x प्लस टू, ये संख्याएं मान ली। अब मैं इनका वर्गों का योग करता हूँ ऐसे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स प्लस टू का स्क्वायर, है ना। डी दिया है 5, ओके। अब क्या करें, ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स। इसको ओपन कर दिया और उसका वैल्यू 110 आ गया। अब आपके साथ इक्वेशन बनी, क्या बनी, 1 2 3 थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 छः एक्स प्लस 4 और 1 5 110। या आप कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 105 बराबर 0। अब आप इसकी फैक्टर कर लो, है ना। हाँ लगा देंगे ताला भी, या तो आप इसको क्या कर लो, इसके फैक्टर कर लो। अगर मैं इसके फैक्टर कर दूँ तो ये मुश्किल टास्क होगा, तो मैं इन नंबर्स को ऐसे नहीं मानूंगा, ओके। सवाल का आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो मैं इसको ऐसे लेट नहीं करूंगा। मैं दो तरीका अपनाऊंगा, मैं संख्या कैसे मानूंगा। मैंने संख्याएं मानी ऐसे, एक संख्या मैंने x मानी, एक इससे पहली और एक इसके बाद वाली मान ली। बात तो वही है ना, मिड की संख्या मैंने लेट की, एक इससे पहली एक इसके बाद की। अब इससे सवाल करते हैं, तो ये सवाल आप मुझे क्या देगा, आपने कहा अब इसका सवाल करो। इज इट क्लियर, पहला वाला मेथड क्लियर है जो मैंने बताया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ ऑप्शन से भी कराऊंगा, डोंट वरी, सबसे बताऊंगा, ऑप्शन से भी बताऊंगा, इससे भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो। तो मैं इसको हटा रहा हूँ इस वाले तरीके को, क्योंकि आप इसका फैक्टर करेंगे तो वही आंसर मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा के आपको बताता हूँ। मैंने संख्या मानी इस वे में x, x माइनस वन और x प्लस वन। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तीनों को जोड़ देता हूँ। अब मुझे क्या फ़ायदा मिला ऐसा करने से, देखो क्या फ़ायदा मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का वन माइनस का टू एक्स, इसको देखें प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का टू प्लस का 2x बराबर 110। अब देखो भाई 2x माइनस का, तो मेरा x खत्म हो गया, मेरा x एलिमिनेट हो गया, मेरे पास क्या बचा x x x 3x स्क्वायर 1 और 2 3 110, मेरा काम बन गया। इसको मैंने उधर भेज दिया, 3x स्क्वायर बराबर क्या हुआ, सॉरी इसको एक करना 1 2, इसका मतलब क्या हुआ 110 माइनस का 2, तो क्या बना 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 108 और एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर 6, तो आपको x का वैल्यू 6 मिल गया। हाँ सीटेट के लिए है ये, पूरा सिलेबस है, तो x का वैल्यू 6 मिला। अब संख्या पता लगी, एक संख्या 6 उससे वैल्यू 5 उससे बाद वाली 7, ये आंसर ऑप्शन नंबर 2। या फिर आप क्या कर सकते थे, आप सीधा ऑप्शन भी यूज कर सकते थे। सारे तरीके बता रहा हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे उसने कहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अगर सबसे छोटी संख्या 8 होगी तो इसके आगे वाली 9 10 होंगी, सबसे छोटी संख्या 6 होगी तो 6 7 8 होंगी, तीन संख्याएं। अगर 7 होगी तो 7 8 9 हो जाएंगी, अगर 5 होंगी तो 5 6 7, यही तो बनेंगी संख्याएं, है ना। तो अब देखो अगर मैं इसका वर्क करता हूँ तो 8 8 64 प्लस 81 प्लस 100, तो ये तो 110 से ज़्यादा हो गया ना, गलत। तो 6 6 36 7 7 49 प्लस 8 8 64 यही 109 हो गया, गलत। 7 7 49 8 8 64 9 9 81 110 से ज़्यादा है, लेकिन जैसे इसको करूँगा मैं 5 5 25 6 6 36 7 7 49 बराबर 110, तो मुझे इसे 110 मिल गया। तो ये चॉइस आपकी, आप जो चाहें ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 37, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स।
तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तो जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर का जवाब, क्या देंगे आप? क्वेश्चन आपके सामने है, जो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई ऑफ टू होल नंबर्स इज 37, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दीज डिफरेंस ऑफ द नंबर्स? तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। आपने कहा ओके, देखते हैं। सबसे पहले जब ये सवाल हमारे सामने आया, सबसे पहले दिमाग में एक चीज घूम गई और वो क्या थी, अरे भाई 37 तो अभाज्य संख्या है, तो 37 के तो फैक्टर ही नहीं हो सकते। दिमाग में पहली बात यही तो आती है, अरे भाई अभाज्य संख्या है, इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे? तो ये फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं आपके, तो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कैसे करें फैक्टर को, कैसे समझाएं और कैसे करें सवाल, ये बड़ा इशू हो जाता है। चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाए और कैसे समझा जाए। उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सी ऑप्शन मिला है मुझे, मेरे बाल आज बहुत, एक्चुअली गर्मी आज फैन चल रहा है ज़्यादा और मेरे बालों में ज़्यादा थोड़ा पीछे हो रहा था, अब ठीक है। इज इट क्लियर? अब सी, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। देखते कैसे कैसे आया सी, देखो आपने कहा दो पूर्ण संख्याएं, अगर मैं दोनों संख्याओं की गुणा करूं तो भाई मैंने तो देखा ही है, तो क्या मैं 37 को 1 × 37 नहीं लिख सकता? 37 से कम 37 तो होता है, बहुत बढ़िया आकांक्षा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो छोटा सा घुमाने वाला सवाल था, तो उन दोनों संख्याओं को मैंने कहा 1 × 37, तो 1 और 37 वो दोनों संख्याएं हैं, उन दोनों को घटाया जाए, उनके घटाने के बाद आया 36, उसका वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है जो 6 होगा, और वही तो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, कोई शक समस्या? बहुत बढ़िया से जवाब, तो अच्छा प्रश्न था, उतना ही अच्छा आपका जवाब, बहुत बढ़िया राहुल जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। एक और, चलो दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? देखो सवाल, देखते हैं क्या मिलता है। दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल, इनका मल्टीप्लीकेशन 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सवाल बड़ा आसान है, इसको इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं, अगर मैं बात करूं a मल्टीप्लाई बाई b कितना है, आपने कहा 1092, लेकिन यहां पर क्या था, एक प्रॉपर्टी दी, इनके इनका योग, योग क्या हुआ a प्लस b, इनके अंतर, अंतर हुआ a माइनस b से 42 अधिक। कैसे कहूंगा भाई, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इन दोनों को घटाना पड़ेगा ना। मैंने कहा मेरे पास 500 रुपए हैं, आपके पास 300 रुपए हैं, मेरे पास आपसे कितने रुपए अधिक हैं? आप बोलेंगे 200। क्यों बोला आपने? क्योंकि आपने मेरे अमाउंट को अपने अमाउंट से डिलीट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, वही मैंने यहां किया। अगर मैं इसको घटा दूं तो यानी 42 आना चाहिए। ओपन करें तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, और ब्रैकेट को ओपन कर दिया 42। अब देखो a से a कट गया, तो 2b is equal to 42, तो b is equal to what? आपने कहा 42 upon 2, that is 21, तो b का value 21 आपको मिल गया, कोई problem तो नहीं है। अब b का value 21 तो आपको मिला है, तो इस वाले में put कर दूं value, तो मैंने कहा a गुणा b का value 21 is equal to 1092, तो a is equal to what? आपने कहा 1092 upon 21, divide करें तो 21 × 5 = 105, 21 × 52, तो यानी a बराबर 52। तो उसने बोला है मुझे क्वेश्चन में कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी, एक 21 और एक 52 है, तो 52 इसमें है क्या भाई? 21 एक कब, 21 × 5 = 105, 21 × 52, ये तो मेरा 52 आ रहा है, आपका 54 कैसे आ गया? मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं इस बात को लेकर, भाई आपका ऐसे कैसे आ गया? यानी आपका जवाब गलत है, 54 इज नॉट द राइट आंसर, आपने गलती कर दी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बी, इसको सी माने, इसको डी माने, तो राइट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन विल बी 52। तो यहां बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या 21 और बड़ी संख्या 52 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत बढ़िया, तो एक और सवाल इस तरह का हो जाए, सब लोग तैयार, रेडी? ओके, वन मोर क्वेश्चन। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, ये संख्याएं हैं, कौन सी हैं? दो क्रमागत लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, इनके अगर स्क्वायर करें उनका टोटल 61 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी? जल्दबाजी में हो गया, कोई बात नहीं है,
जल्दबाजी तो होती रहती है, अब आपको सही जवाब देना बस, देखते सवाल क्या मिलता है आपका। क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपके सामने लिखा हुआ है, आपको देना है जवाब और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले तेजी के साथ, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी देरी के आपका आंसर मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपका जवाब मुझे मिलने की उम्मीद पूरी जगी है और तेजी से आपके आंसर आने की जो आशाएं हैं वो बढ़िया है। तो बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, ऐसा बात कहा जा रहा है कि बी को लॉक किया जाए, देखते हैं। तो अब अगर इसको मैं पहले ऑप्शन से बता देता हूँ, ये ऑप्शन से बड़ा ईजी हो जाएगा, आप चाहेंगे तो इसको विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों से बता देता हूँ, दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, मैंने माना एक संख्या x, दूसरी वाली x प्लस वन होगी। उसने कहा इन दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, तो भाई इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस वन का स्क्वायर कितना है, 61 है। तो हमने देखा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 61। अब क्या हुआ, आपने देखा x x 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 60। अब दो से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 30, ये सवाल आया। अब 6 पंजे 30, दो संख्या बनेंगी 6 और 5, है ना, तो आपने 6 और 5 निकाला, तो यहाँ पर आपका 5 6 आ सकता था, तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो क्या है, आप कुछ मत करो, ऑप्शन लो ना 4 और 5, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, देखते हैं। तो ये हो ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, याद रखिएगा, ये नेचुरल नंबर लिखा है तो नेचुरल नंबर माइनस 6 माइनस 5 नहीं होंगे, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो क्या करें, 16 ये, 25 ये, 41 ये तो नहीं आया, इसको देखें, 5 पंजे 25 और 6 छक्के 36, अरे वाह 61 आ गया, यही तो पूछ रहा था वो आपसे। तो आप चाहे इस वाले मेथड से करें, चाहे ऑप्शन से करें, आंसर इज बी। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, अरे वाह आप तो बड़ा अच्छा से खेला खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आपके आंसर देने में। तो चलो एक सवाल और बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं, वन मोर क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ओके प्रतीक जी, एक और चलो। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग, याद रखिएगा, द सम ऑफ फोर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, दीज आर इवन नंबर्स, इज 60, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। चार क्रमिक संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना है, द सम ऑफ फोर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 60। अब देखो इवन नंबर्स की बात हो रही है, सम संख्याओं की बात हो रही है, तो सो सम संख्याएं क्या होंगी, अब याद रखिएगा इवन नंबर्स, अब तक आप पढ़ रहे थे प्राकृत संख्या क्रमागत, तो x, x प्लस वन, x प्लस टू ऐसे करते थे ना एक एक, लेकिन ये सम संख्याएं हैं, दीज आर इवन नंबर्स। अगर आप x को इवन मानते हैं तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी, x प्लस टू इवन बनेगी, है ना, अगर x वाले से आगे वाले x प्लस फोर, x प्लस सिक्स, यही तो बनेंगी, क्योंकि दो दो के अंदर से संख्याएं जोड़ोगे एक सम संख्या में तो वो आपको हमेशा इवन नंबर देंगी, ये बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने उसने बोला इन संख्याओं का योग, इनको अगर मैं जोड़ूं ऐसे तो वो 60 आना चाहिए, तो 1 2 3 4 फोर एक्स प्लस 6 4 10 दो 12 इजिकल टू 60, या आप कह सकते हैं 4x इजिकल टू 60 माइनस का 12 यानी x इजिकल टू 48 अपॉन 12, तो यानी x का वैल्यू 12 आपके सामने आ गया, 12। अब जब x का वैल्यू 12 है तो ये संख्या कितनी होगी, 12, ये कितनी होगी, 14, कितनी होगी, 16, कितनी होगी, 18, तो ये संख्या 12 14 16 18 है, है ना, ठीक हो, तला लगा दें, ओके। तो क्या हुआ, अब इन सबको जोड़ना था, 10 10 20 10 40 10 50 10 60 और आपके सामने आंसर, ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, एनी इशू, इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क, जब आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चाहूंगा आपका आंसर मुझे मिले। 12 14 16 18 को जोड़ोगे, उसने बोला है इनके वर्गों का योग, अब देखो ये तो संख्याएं आपके सामने आ गई, उसे बोला इनका स्क्वायर, तो भी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, है ना,
वाह बढ़िया। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। इन सबको जोड़ दो, 920। क्लियर है भाई? ये ऑप्शन से नहीं होगा अलका जी, ये ऑप्शन से नहीं होगा, क्योंकि आपको स्क्वायर भी करना है। अगर वो सिर्फ सम की बात करता तो हम सोच सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन से नहीं होगा। क्लियर है प्रतीक? अभी प्रतीक आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी प्रतीक, आगे बढ़ें, एक और सवाल लिया जाए। सब लोग रेडी है? वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा आपके स्क्रीन पर, दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन सेम है, इसको जल्दी से दीजिएगा आंसर। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? द सम ऑफ फोर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 156, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स? क्लियर? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 आपके सामने दिया है, इन संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना था। तो देखते हैं क्या आपका जवाब मिलता है, इनके वर्गों का योग क्या मिलता है। सेम पोजीशन, अभी मैंने बोला इवन नंबर है, ये भी तो क्या होंगे, चार नंबर है, तो अगर पहली संख्या एक्स है तो दूसरी एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस सिक्स होगी, है ना? उसने बोला इन सब का योग कितना, इन सबको टोटल करें तो वो कितना है, 156 है। अब सबको जोड़ें, 1 2 3 4, 4x+12 इज इक्वल टू 156। तो अब निकाला 4x इज इक्वल टू 156 माइनस 12, तो 4x इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 144/4। तो 4 × 4 = 12 और 4 × 6 = 36, तो ये पहली संख्या 36 है, फिर ये 38 हो गई, ये 40 हो गई, ये 42, ये संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं हैं जो अब इनके वर्गों का योग। अगर मैं 36 का वर्ग करता हूं, शायद आपको पता हो, ये मैंने समझाया भी था, फिर बता देता हूं। तो वर्ग कैसे करते हैं, इजीली समझेगा। अगर मैं 36 का वर्ग तो मुझे याद नहीं है, 38 का भी मुझे याद नहीं है, मुझे 42 का भी याद नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द स्क्वायर। तो कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, मैं आपको स्क्वायर निकालने आगे वाले पेज पर सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, 36 38 40 42। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे स्क्वायर को निकालेंगे। ओके, डोंट वरी। देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, 36, 38 है, 42 है, 36 है, ऐसे ना। तो पहले 42 का सिखा देता हूं कैसे करते हैं। 42 को आप जब भी किसी का स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो क्या करें, उसको जीरो के पास लाने की कोशिश करो। तो 42 को मैं जीरो के पास लाऊं तो 42 के पास जीरो बनता है 40। तो 42 को 40 बनाने के लिए आपने 2 घटाया, उतना ही यहाँ पर जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 44। तो बस स्क्वायर हो गया, 2 2 4। तो अब इस जीरो का को कोई मतलब नहीं है, इस 4 का मल्टीप्लाई करना है इस 44 में, 4 × 16 = 6, 4 × 16 = 17। तो ये आपके सामने आ गया स्क्वायर। क्लियर है स्क्वायर कैसे किया, समझ में आया? मैंने आ रहा है समझ में मैं कैसे कर रहा हूँ? मैंने 42 को जीरो के पास लाने की कोशिश की तो 40 पड़ता है, तो मैंने 2 घटा दी, उतना ही मैंने जोड़ दिया। क्लियर है? 17 से 64 आपको मिला। अगर मैं बात करता हूँ 38 का कैसे निकालूं, देखो 38 का भी सेम है, 38 किसके पास जीरो आएगा, 40 के पास, तो मैंने इसमें से 2 घटा दिया, उतना ही जोड़ दिया, तो ये हो गया कितना, 36, 2 2 4, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 14 1444। क्लियर है? अगर मैं 36 का वर्ग करूं तो कैसे करूंगा, आपने कहा 36 40 के पास पड़ता है, तो आपने +4 कर दिया, ऐसे माइनस 4 कर दिया, तो ये 32 रह गया। अब देखो 4 × 16 = 6 का हासिल लगा एक, अब 4 की गुणा करते, 4 × 2 = 8 9, 4 × 3 = 12 1294। तो इस तरह से आप स्क्वायर करना भी सीख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं सवाल में क्या था, 36 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो कितना आता है, 1296, 38 का स्क्वायर मैं करता हूं तो 1444, 40 का करता हूं तो 1600, और अगर मैं 42 का करता हूं तो कितना, 1764। सबको जोड़ दें तो आपका 6104, जो कि ऑप्शन नंबर एक था। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बार बार एक कॉल आ रहा था, तो सच उसको ले लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। ओके चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने था दो उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है बढ़ती हुई, सक्सेसिव नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर्स इज 9506, विच इज द स्मॉलर ऑफ दीज टू नंबर्स। देखते हैं जवाब क्या है। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर्स इज 1905, और आपको देना है जवाब विच इज द स्मॉलर ऑफ दीज नंबर्स। तो आपका जवाब मिला है मुझे 97, छोटी होगी। ओके 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 चलो देख लेते हैं। देखो दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल, तो मतलब हमने दो संख्याएं देखी यानी बढ़ती हुई संख्याएं हैं, अगर मैं दोनों की गुणा करूं तो इनमें से छोटी संख्या आपको बतानी थी। तो भाई मोटी सी बात है, अगर मैं बात करता हूं दो उत्तरोत्तर संख्याएं हैं तो लगातार संख्याएं हैं, तो मैंने माना एक संख्या एक्स दूसरी वाली एक्स प्लस वन होगी, लगातार थी ना दोनों, इसलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इन दोनों की अगर गुणा करते हैं तो वो कितना था 9506 आता है। इस तरह से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस वन कितना है 9506। इज इट क्लियर? ओके अब क्या करें, अब आपको इस क्वेश्चन में बाई ऑप्शन अपना दिमाग लगाना है। उसका रीजन क्या है, अगर मैं बाई ऑप्शन से नहीं कराऊंगा आपको तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, यू हैव टू फैक्टराइज दिस। तो मैंने पहले इसको 96 से डिवाइड किया, जो डिवाइड नहीं होती है, मैंने 97 से डिवाइड किया। जैसे मैंने 97 से डिवाइड किया तो 97 into 98 बन जाता है, समझ रहे हैं आप, 97 into 98। इसके फैक्टर अगर मैं करता हूं तो 97 गुणा 98 ही आएगा, दोनों की गुणा करोगे। इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो 97 का भाग के तो 98 बच गया। तो राइट ऑप्शन क्या है, x इज इक्वल टू 97 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 98, तो राइट ऑप्शन इज 97। बिल्कुल ऑप्शन से आता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन से आएगा, पर देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो यही छोटा आंसर है। इन दोनों से कटेगा 97 98 से, तो छोटा 97 बड़ा 98, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और सवाल, ठीक है ना, चलो सेम संख्या है, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल, याद रखना दो सतत लगातार इवन नंबर्स हैं। अब दो इवन नंबर की मल्टीप्लाई है 6388, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यह क्या है, अब इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना, पहले तो दो लगातार संख्याएं थी, अब की बार क्या है आपको इवन नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, और मैं चाहूंगा जवाब ऐसे ही मिलेगा जैसे आपको अभी आपने किया। मैं आपको हेल्प कर देता हूं, ये x है तो दूसरा वाला x प्लस 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6388 है, बस दो के अंतर से होंगी। हाँ ये भी ऑप्शन से होगा, कैसे करते हैं ऑप्शन को, चलिए तो आपने क्या काम किया, आपने देखा मल्टीप्लाई, तो इसके इफेक्ट आप देखो कैसे करें, अगर मैं इसको 78 से डिवाइड करता हूँ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, 82 से डिवाइड करते हैं तो भी प्रॉब्लम करेगा, हैं 86 से डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा, 90 से कट जाएगा, देखो 90 से बिल्कुल नहीं कटेगा ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, तो 90 से डिवाइड होगा नहीं, और 8 से भी डिवाइड इसलिए नहीं, क्योंकि जब 8 से आप डिवाइड करते हो तो 8 कभी भी 8 के पहाड़े में नहीं आता, आप इसको डिविजिबिलिटी रूल से भी समझ सकते हैं, भाई 8 × 8 = 16, 8 × 8 = 48, हाँ आता है भाई, 8 × 48 छः बार कट सकता है, तो ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी, तीन संख्याएं हैं। अब आपको यहाँ पर अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल लगाने पड़ेंगे क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है, हालांकि ये डिवाइड हो रहा है 82 से कम्प्लीट, अगर मैं 6388 को डिवाइड करूँ 82 से तो इट विल बी डिवाइडेड एंड इट विल गिव यू 84, है ना, तो यहाँ पर छोटी संख्या 82 तो आ रही है लेकिन बड़ी संख्या 84 है। उसने पूछा था बड़ी संख्या कौन सी है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर छोटी संख्या तो दी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और 82 पर उत्तर लगा देते हैं, लेकिन उसने बड़ी संख्या पूछी है जो कि 84 है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। बहुत बढ़िया जवाब आप दे रहे हैं, वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं, अच्छे जवाब आपके आ रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। इस तरह के अगर आपके जवाब आएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आएंगे, बहुत बढ़िया। एक और बढ़िया सवालों के जवाब, वन मोर, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है, ये पूर्णांक कौन से हैं। देखो इसको तो ऑप्शन से करो, ऐसे सवाल जब मिल जाएं तो यू कैन यूज ऑप्शंस। दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है, ये पूर्णांक क्या है।
तो धन पूर्णांकों का अंतर 33 तथा इनके वर्गों का अंतर 33। तो देखो सिंपल, देखो दोनों का अंतर 3 है तो ऑप्शन से कर सकते हैं ना। देखो पहले चेक करो किस किस में 3 है। उसने कहा 8 में से 5 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 4 गए 3। भाई सब में 3-3 का अंतर है। अब इनके वर्गों की बात हो रही थी तो 5 का वर्ग करें 25, 8 का वर्ग करें 64, 64 25 निकालोगे 33 नहीं बचेगा। 6 का वर्ग करें 36, 9 का वर्ग करें 81, 81 में से 36 घटाओगे तो क्या बचेगा? आपने कहा नहीं बचेगा सर, 33 नहीं आएगा। लेकिन 7 × 49 माइनस 4 × 16 करोगे तो 33 आएगा। हो गया सवाल। तो बाई ऑप्शन इट कैन बी ईजी। अगर मैं आपको बताऊं इसको बेसिक तरीके से मैं कैसे करूंगा तो आप बेसिक तरीके से भी समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो संख्या क्या है? धन पूर्णांक है ना, वो उसको भी समझ लो। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी x प्लस 3 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में 3 का अंतर है। अगर मैं दोनों को घटाऊंगा 3 ही आएगा ना। अब इनके वर्गों की बात कर रहे थे, इन दोनों घटा दो वो कितना है 33। हो गया सवाल। क्लियर, बात समझ में आ गई? एनी इशू एनी प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट तरीका क्या है? इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस वाले में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, इजी था, इजीली मैनेज था, हैंडल हो गया ना इजीली, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलो। एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? हालांकि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करने में ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ये आपको प्रॉब्लमिस्टिक होगा, क्योंकि इस सवाल को करने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आप इसको आसानी से कैसे करेंगे? एक संख्या के वर्ग का दुगना, चलो मैं बताता हूं। अगर वो संख्या a है या x है, उसके वर्ग हो गया, उसका दुगना यही तो हो गया। अगर पहली बात करूं, एक संख्या के वर्ग का दुगना यही तो होगा, उसी संख्या के 11 गुना, तो ये 11x हो गया, से 21 अधिक है। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, भाई यही तो होगा। इन दोनों घटाते 21 आना चाहिए भाई, इन दोनों को घटाया जाए तो यू विल गेट 21। चलो कोई बात नहीं, तो ये क्या हुआ? ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 21 बराबर 0। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशंबर गुरु जी को, आपका प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओके ओके विशंबर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल जी की तरफ से और हमारी तरफ से भी। ओके चलो देखते हैं आगे, बात करते हैं, लॉक कर दिया जाए, सवाल हो गया। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ 21 के फैक्टर करने की, मैं बात करता हूँ तो भाई 21 के फैक्टर क्या होंगे? 21 क्यों? देखो 21 × 42, तो 42 यहाँ पर लिखा है। 42 के ऐसे दो फैक्टर जिनको घटाओ तो 11 आए, आपने कहा 14 × 42 है ना, तो मैंने कर दिया। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। 7 × 42 एक आएगा, 11 नहीं आएगा आकांक्षा। अच्छा तो देखिए क्या करें, आपने 2x कॉमन निकाला तो x माइनस का 7, 3 निकाला x माइनस का 7, तो ये क्या हुआ? x माइनस 7, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 7। और इससे देखें 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 3/2, तो 7 और माइनस का 3/2। अरे बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत धन्यवाद आपके इतने खूबसूरत कमेंट देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। चलो बात समझ में आ गई, तो 7 और माइनस 3/2, आपने भी ये बताया हमने भी ये बताया, तो दोनों के विचार मिले, उत्तर एकदम सही हो गया, बहुत बढ़िया। तो 32वां प्रश्न आपके सामने, दो संख्याएं हैं जो 1 और 5 के अनुपात में, इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना है? ओहो बड़ा आसान सवाल है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके सवाल आपके सामने है, सवाल आपके समक्ष लिखा है, चाहूंगा उत्तर मिले। 40, 42, 44 या 48?
क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप सभी के सामने लिखा है सवाल, जवाब दीजिएगा बिना किसी रुके, आपका जवाब एकदम सटीक आना चाहिए, जब भी मजेदारी है तो देखेंगे सवाल। चलो मैं बता देता हूँ, देखो सवाल का मीनिंग क्या है, संख्या एक और पांच में तो मैंने माना वो संख्या एक्स के अनुपात में है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने माना एक संख्या एक्स दूसरी पांच एक्स, क्योंकि मुझे अनुपात पता था, है ना, बी को लॉक कर दें तो वो बी गलत हो गया इस बार, तो दोनों की गुणा करें तो कितना आना चाहिए, आपने कहा सर 320 आना चाहिए, ओके, तो ये वो 5x² = 320 और एक्स स्क्वायर कितना हुआ 320/5 = 64, तो x बराबर क्या हुआ 64 का वर्गमूल बराबर 8, तो x बराबर 8 है। उसने बोला इन संख्याओं का गुणनफल, तो जब x बराबर 8 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 5 × 8 = 40, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 48, यही जवाब था, डी को लॉक कर दिया गया है, बात समझ में आ गई। तो सवाल, सारे सवाल मैंने संख्याओं पर आधारित लिए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सवालों में आपको यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन दीज क्वेश्चंस, देन यू विल गेट द आंसर। तो एक और सवाल, मैं पानी पीता हूँ और आपको सवाल देता हूँ, चलिए सेम सवाल है, मैं चाहूंगा इसका जवाब मिले तेजी के साथ, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा जवाब मिले, तो मैं पानी पी लेता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, तो आपको बताना है संख्याएं कौन सी हैं, तो भी देख लेते संख्या कौन सी है। हाँ 48 बिल्कुल सही जवाब है, आपने एकदम सही जवाब दिया है और मुझे उम्मीद है आपका जवाब एकदम आएगा। यस, क्या आंसर देंगे, देखो समझ लो दो संख्याएं हैं अनुपात में दी हैं, देखो उसको मैं दो तरीके से आपको करा देता हूं, बेसिक वे में भी और आपको स्मार्ट वे में भी, ठीक है ना, तो याद रखिए कैसे कर सकते हैं उसको। देखो मैंने माना संख्या 3x और 7x है, क्लियर है, आपने इसमें 6 जोड़ दिया, आपको मिला 5/9, ये तो बेसिक तरीका बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता है, आपको स्मार्ट भी बताऊंगा। अब हमने इसकी गुणा कर दी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 9 × 27 = 54 = 7×5 = 35 इसको इधर भेजा इसको उधर भेजा, तो क्या हुआ ये वो 27 - 35 = 8 और 14 = 24, तो x बराबर 3, तो x का वैल्यू 3 आया, ठीक है ना। तो संख्याएं क्या हुई, आपसे कहा संख्याएं हुई 7:3x और 7x थी ना, 3 × 9 = 7 × 21, 3 × 9 = 21 संख्याएं आ गई, है ना, पहले सवाल तो ये समझ में आया, क्लियर है, प्रतीक सही से देखो ए इज द राइट ऑप्शन। अब इसका स्मार्ट वे कैसे समझो, आपको तो इतना मुश्किल पड़ता है करना, तो मैं इसका स्मार्ट वे भी समझा देता हूं, तो स्मार्ट वे में कैसे करते हैं सवाल देखिएगा। मैंने कहा 3/7 अनुपात था वो 5/9 हो गया, 3/7 रेशो था वो 5/9 बन गया, अब क्या करें, इनमें से 6 बाद में देखेंगे, तो मैंने देखा डिफरेंस कितना रहा अनुपात में, आपने कहा 4 का इधर 4 का इधर, अनुपात दोनों का बराबर है, तो दोनों अनुपात में जो ऊपर वाले इसका डिफरेंस कितना 2 यानी आपके अनुपातों में अंतर 2 का है, लेकिन क्वेश्चन में तो 6 का बता रहा है कि 6 का अंतर है, यानी आप कह रहे हैं 2 जोड़ने पर ही आ रहा है, आओ कह रहा है 6 जोड़ने पर आ रहा है, तो इस 2 को 6 बनाओ, तो क्या करोगे 3 की गुणा करोगे ना, 3 × 2 = 6 बन जाएगा, बस 3 की गुणा समय कर दो, तो 3 × 3 = 9 × 3 = 21, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी बता देता हूँ, समझ लो कैसे बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, इसको भी समझना। देखो बाई ऑप्शन करने में क्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई संख्याएं उनका अनुपात दिया है तो वो संख्याएं हमेशा उनकी मल्टीपल होंगी, यानी वो संख्याएं उन संख्याओं अनुपात से कटेंगी, तो अगर कोई संख्या का अनुपात 3:7 है तो पहली संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, दूसरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो आपने क्या काम किया 3 × 9 = 3 = 21 एकदम सही है, 3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35 ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी आपके सामने दो ऑप्शन आ गए,
एक 9 21 और एक 15 35, अब दोनों ही 3 और 7 से कटते हैं। तो याद रखना रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो अगर मैं कहूँ 15 / 35 तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को कहते हैं क्या, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो होती है। तो ये कट जाएगा अभी, ठीक है ना, 5 से 5 3 15 और 5 7 35, ओके दैट वन, इज इट क्लियर। तो ये संख्या भी हो सकती थी, इसका भी अनुपात 3 7 आ रहा है, तो हमेशा रेशो ये भी, लेकिन हम छोटी संख्या को चूज करते हैं। तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता था, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया है। इज इट क्लियर, ओके वेरी गुड। एक और सवाल दीजिएगा जवाब तेजी से, एक और आंसर आपके स्क्रीन पर ही रहा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? सवाल समझिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आपको बताना है। मुझे बहुत उम्मीद है आप इस सवाल का आंसर आसानी से दे देंगे। यस, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल बड़ा आसान है, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब आसानी से समझें और करें। तो देखो, जब आपको क्वेश्चन परसेंटेज मिल जाए ना, तो आप क्वेश्चन को परसेंटेज में ही सॉल्व करने की कोशिश करें। 2 संख्याएं थी, तीसरी संख्या से ज्यादा थी, तो मैंने जो तीसरी संख्या थी उसको माना वो 100% है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, आपने कहा भाई इससे ज्यादा थी ना 12.5%, कितनी हो जाए, आपने कहा एक संख्या बनी 112.5% दूसरी संख्या 25% अधिक थी, तो दूसरी संख्या कितनी बनेगी, प्लस का 25 125%। इज इट क्लियर, 2 संख्याएं, उसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने क्या काम किया भाई, मैंने आपसे कहा कि भाई 125 में से मैंने 112.5 घटाया, यही तो घटाना पड़ेगा मुझे भाई, यही तो घटाना पड़ेगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसने बोला कि भाई 100 जो कितना प्रतिशत पूछ रहा है वो, तो मैंने कहा 112.5% बराबर किसके है, दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मैंने कहा 125% के एक्स परसेंट के बराबर है। अभी एक्स कर लो, इसका एक्स बटा 100 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 125 × x/100 = 112.5, बस हो गया सवाल। एक्स का वैल्यू निकालना था, तो क्या हो जाएगा 112.5 × 100/125, आपके सामने सवाल आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, देखो 25 × 100 = 125, 5 इसको काट दिया, 5 × 2 = 10 बचा 1, 12 × 5 × 2 = 10 बचा 2, 5 × 5 = 25, तो 22 × 88 और 5 × 20, तो भाई 90% आना चाहिए आंसर। आप कह रहे 25% है, तो राइट ऑप्शन 90%। सवाल को समझो क्या बोल रहा है, आप सबने गलत सवाल कर दिया है। सवाल को समझने की कोशिश करो, 25 इज नॉट द राइट आंसर। समझो, उसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, अधिक नहीं पूछा उसने, यानी अगर 112% की बात की जाए तो दूसरी संख्या का कितने परसेंट उसके बराबर होगा, सवाल ये था, है ना। तो अगर पहली संख्या का 112.5% है तो वो दूसरी संख्या के 90% के बराबर है, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है, एक 112.5 है, एक 125 है। फिर से समझो, प्रदीप दोबारा देखो मैंने क्या बोला, फिर से समझ लो, हाँ कॉम्प्लिकेटेड था। देखो भाई, 2 संख्याएं हैं, मैंने माना वो तीसरी संख्या 100% थी, एक संख्या थी जो उससे 12.5% ज्यादा थी, तो मैंने 12.5 जोड़ दिया, तो पहली संख्या बनी 12.5, ये बात समझ में आ गई, दिस इज फर्स्ट नंबर। उसने बोला तथा दूसरी वाली कितनी ज्यादा थी, आपने कहा 100% से 25% ज्यादा, ये होगी 125%। अब सवाल क्या है, उसने बोला ये जो संख्या सामने लिखी है,
ये संख्या इस 125% वाली संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल सवाल ये था 112.5 125 के कितने परसेंट के बराबर है। बात समझ में आ रही, गॉट इट? क्या सवाल है? 112.5 125 के कितने परसेंट के बराबर है। तो 125 का अगर आप 90% निकालेंगे तो यही मिलेगा 112.5। समझ रहे हो? तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा 112.5 125 के x परसेंट के बराबर है। समझ रहे हो? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, बाय बाय। तो मैंने कहा 112.5% 125 के x परसेंट के बराबर है। तो x परसेंट का मतलब कितना था? x बटा 100। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, x गुणा 125 बटा 100 बराबर 112। तो आपको x का वैल्यू निकालना था, तो 112.5 गुणा 100 बटा 125 बराबर 90%। तो यानी जो 112.5 है वो 125 के 90% के इक्विवेलेंट है, या आप कह सकते हैं 125 का 90% 112.5 है। अभी क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डन है? समझ में आया ना? थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल था, लेकिन बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में कई बार घुमा देते हैं, जैसे अभी आप घूमगे, सबने कहा 25% इसका आंसर है। एक और सवाल, बाय राहुल जी। चलो फिर बताओ, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हों, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? फिर वही सवाल है। तो जवाब मिलेगा क्या, देखते हैं आपका आंसर क्या मिलता है। सवाल अभी मैंने आपको बताया था, यू कैन इजीली मैनेज। आकांक्षा आपको समझ नहीं आया, दोबारा समझते हैं। इस सवाल में सेम सवाल है ना, इसको समझते हैं, शायद आपको क्लियर हो जाएगा। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, आपको बताना है। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। लेट्स सी, चलो करते हैं इसको भी, देखते हैं। सवाल क्या था, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, मैंने माना वो तीसरी संख्या 100% है, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या क्या होगी, 30% ज्यादा, तो ये हो गया 130%। दूसरी संख्या होगी 40% ज्यादा, कितना होगी, 140%। अब सवाल समझना, ये वो नहीं कह रहा कितने प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, ये मतलब है ना। तो मैंने माना 130% दूसरी संख्या 140 के x परसेंट के बराबर है, ऐसे समझ लोगे आप आराम से। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 140 गुणा x बटा 100 बराबर 130। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आपने कहा 130 मल्टीप्लाई बाई 100 बटा 140। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यहां तक प्रॉब्लम हो तो मुझे आंसर आगे करके बता देना। ओके, चलो 0 से 0 कट गया, ये बचा 1300। तो इधर आ जा मेरे भाई, ये बचा 1300। 130 गुणा 100 1300, 1300 बटा 14 गुणा कर दें, अब डिवाइड कर दें, 1300 में 14 का डिवाइड कर दिया आपने, 64 98, 14 निम्मा 126, बच गए 40, 14 3 42, 14 2 28, 12। तो कितना बचा, 92 सही 12 बटा 14, इसको काट दिया 2 से 6 का 12 2 से 14, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, 92, 92 सही 6 बटा 7। कोई दिख रहा है ऑप्शन आपको? हाँ, सी को लॉक कर दिया जाए ना। ओके, कंप्यूटर जी से कहता हूं मैं भी, क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी? किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन रेज योर क्वेरी, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन एकदम इजी है, एकदम ओके है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आज मैंने 15 क्वेश्चन कराए, तो आप तैयार हैं थर्ड सेशन के लिए कि नहीं? आप सब तैयार हैं थर्ड सेशन के लिए? तो इसके आगे के क्वेश्चंस थर्ड सेशन के मैं आपको कराने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास के लिए सब लोग तैयार हैं, तो कल मिलते हैं फिर दोबारा से इसी समय पर, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे जाओ।
भी बढ़ा दो जिससे कि सब लोगों तक आपका वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग आसानी से इस सेशन को ज्वाइन कर पाएं और मजे से पढ़ पाएं। तो दीजिएगा मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।